स्वागत है वैसे फैमिली में आपका। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक। चलिए बात करते हैं इस खबर के बारे में। तो प्रदेश में खाद्य किल्लत की चर्चा के बीच सीएम शिवराज ने किसानों को राहत दी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में खाद्य की कोई कमी नहीं है, जरूरत इस बात की है कि किसानों को खाद्य का वितरण व्यवस्थित तरीके से हो। सीएम शिवराज ने आज निवास पर कृषि सहकारिता माप्रेफेड और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ खाद्य की समीक्षा की। जी हाँ, सीएम शिवराज ने कहा कि खाद्य वितरण की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आए, लापरवाही और शिकायत सामने आने पर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी स्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, गड़बड़ी पाई जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। सीएम शिवराज ने कहा कि खाद्य की ऑफलाइन बिक्री के दौरान खाद्य की ब्लैक मार्केटिंग हरगिज़ न होने पाए, किसानों को बिना किसी परेशानी के खाद्य उपलब्ध हो। वहीं जिलों के कलेक्टर से समन्वय कर खाद्य का विवरण ठीक ढंग से कराना सुनिश्चित करें। और सीएम शिवराज ने मुरैना और भिंड जिले के कलेक्टर को खाद्य वितरण व्यवस्था को बनाए रखने और समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने इसमें कहा कि प्रदेश के लिए अक्टूबर माह में 2,12,000 मीट्रिक टन खाद्य का आवंटन मंजूर हुआ है और पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध है, जिसके वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि खाद्य की उपलब्धता का प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से कराएं। सीएम शिवराज ने इसमें कहा है आगे कि एनपीके खाद भी डीएपी खाद्य की तरह ही प्रभावी है और किसानों को इसका वितरण भी ठीक ढंग से सुनिश्चित कराए। बैठक में वहीं अपर मुख्य सचिव कृषि और सहकारिता अजित केसरी, कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह, एमडी माप्रेफेड पी नरहरि और संचालक कृषि प्रीति मैथिल नायक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ये था आप तक का अपडेट। इस तरह की तमाम जानकारी लगातार हर छोटे से बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।